हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल मेज। कोटा स्टोन्स पार्ट टू में आपका स्वागत है। कोटा वन के अंदर हमने यूजेज, एडवांटेज, साइज और कहाँ हम उस कोटा स्टोन यूज़ नहीं कर सकते, प्लस डिज़ाइन के बारे में हमने बात किया था। अब मैं आपको जो हम रूफ़ पे अपनी कोटा स्टोन लगा रहे हैं उसका प्रैक्टिकली पूरा डिज़ाइन, प्लस प्रैक्टिकली हमने उसको कैसे कैसे किया है, कैसे कटिंग करी है, कैसे बॉर्डर सेट किया है, वो पूरा अभी आपको दिखाता हूँ। एंड जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने अपनी टाइल वाली वीडियो में बताए थे कि कैसे पहले आपको फ्लोर को क्लीन करना है, फिर उसके बाद गुनिया चेक करनी है, अगर आपका रूम है तो आपको डेड स्लोप रखना है, अगर आपका किचन है या बाथरूम है आपको स्लोप देना है, सेम प्रोसीजर इसमें ही रहेगा। विद द हेल्प ऑफ वाटर लेवलिंग ट्यूब आप लेवल सेट करेंगे स्लोप का, सेम पॉइंट सारे वही रहेंगे कोटा स्टोन लगाने में भी। तो उन पॉइंट्स को देखने के लिए आप मेरी टाइल वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी अपनी वो वीडियो सेट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा कोटा स्टोन जिसको हमने अपनी छत पे लगाया है। एंड हमने अपनी डिज़ाइनिंग कुछ ऐसे रखी है कोटा स्टोन्स की, मैं आपको एक एंड कॉर्नर से खड़े होके पूरा डिज़ाइन दिखा देता हूँ। अब जैसा मैंने आपको बताया था, ये एंटी हीट एब्जॉर्बेंट है तो इसके ऊपर आप विदाउट स्लीपर भी चल सकते हैं। जैसे मैंने अपने स्लीपर्स निकाल दिए, शूज़ निकाल दिए, और सिर्फ प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर चल के दिखा रहा हूँ आपको। एंड दूसरा पॉइंट था हमारा कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, तभी हमने इसको रूफ़ पे लगाया है कि बारिश होएगी, विद द हेल्प ऑफ स्लोप जो हमारा सारा पानी है वो वहाँ पे हमारा रेन वाटर है वहाँ पे चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया क्या है, हमारा ये 22x22 इंची का कोटा स्टोन है तो विद द हेल्प ऑफ कटर हमने कटिंग करी है 11x11 इंची की। एक ही स्टोन में से हमने दो पीसेस निकाले हैं कि वेस्टेज ना हो, एंड विद द हेल्प ऑफ कटर हमने 11 इंच की कटिंग करके फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बॉर्डर सेट कर दिया है। यहाँ पे हमने पूरा पैरापेट वॉल के साथ साथ अपना बॉर्डर सेट कर लिया है वन एंड टू अनदर एंड। एंड यहाँ पे हमारा रिपेयर वर्क चल रहा है तो उसके लिए हमने अभी यहाँ पे कोटा स्टोन यहाँ पे प्लेस नहीं किया है। एंड पूरा हमने अपने पैरापेट वॉल के साथ साथ हमने अपना बॉर्डर दे दिया है। अब बॉर्डर देने के बाद मैंने आपको डिज़ाइन बताए थे कि आप इसमें कैसा भी डिज़ाइन दे सकते हैं, तो हमने इसके अंदर स्पेसिंग प्रोवाइड की है। आप जैसे देख रहे हैं ये हमारी स्पेसिंग है, विद द हेल्प ऑफ हमने ये 2 इंची का स्पेसिंग लिया है इसके अंदर। विद द हेल्प ऑफ मार्बल स्टोन हमने एक ग्रेनाइट स्टोन की यहाँ पे कटिंग ले ली है और उससे हमने कट करके इसके अंदर प्लेस किया है कि हमारी जो स्पेसिंग होगी उसके अंदर कोई डिफरेंस ना आए। इसके अंदर हम दाना फिल करवा देंगे, वाइट कलर का दाना आता है, मोटा दाना यूज़ करना है तो ब्लैक कलर का दाना आता है, पतला दाना पतला यूज़ करना है तो वाइट कलर का आता है। अब जो हमने इसमें डिज़ाइन दिए, जैसे आपने देख रहे हैं हमारी ये रो थी यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक रो, तो हमने इसके अंदर पूरा कोटा स्टोन रख दिया है अपना। नेक्स्ट रो में हमने कटिंग करके रख दिया है, आफ्टर नेक्स्ट रो हमने अपना पूरा कोटा स्टोन रख दिया है, उसके बाद अगेन हमने कटिंग रखी है, उसके बाद हमने फुल कोटा स्टोन एंड फिर कटिंग। सो गाइज, ऐसे ही कर करके आप कोटा स्टोन में कैसा भी डिज़ाइन दे सकते हैं जैसा कि आपको पसंद है। जो फर्स्ट रो के अंदर हमने फुल कोटा स्टोन रखा था वहाँ पर एंड में जाकर कटिंग रखी जाएगी, वहाँ पर एंड में कटिंग हो गई है। तो आप यहाँ से देख ही सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे डिज़ाइन की, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने पूरा एक कोटा स्टोन रखा एंड उसके बाद दो कटिंग रख दी है अपनी, फिर जब नेक्स्ट रो में आप जाएंगे आप एक पूरा कोटा स्टोन रख देंगे, फिर दो कटिंग रख देंगे, फिर पूरा कोटा स्टोन रख देंगे, फिर दो कटिंग रख देंगे, ऐसे ही इसी में रहेगा।
कि आपने पहले फुल कोटा स्टोन रख दिया जो भी आपका साइज़ आया, उसके बाद दो कटिंग, फिर पूरा कोटा स्टोन, फिर दो कटिंग, एंड नेक्स्ट रो के अंदर दो कटिंग फुल कोटा स्टोन, दो कटिंग फुल कोटा स्टोन। या फिर आप अपना पहले अपनी रूफ़ का साइज़ लेके, या आप अपने नीचे लगवा रहे हैं उसका साइज़ लेके अच्छे से, जैसे हमने इनको स्क्वायर में रखा है, तो आप इसी को ही अगर आप थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो जो हमारा ये पॉइंट है ये सेंटर में यहाँ पर आ जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये डिज़ाइन, इस डिज़ाइन में भी आप इसको रख सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जो हमारा बाउंड्री में हमने कोटा स्टोन यूज़ किया है उसके अंदर हमने गैप फिल नहीं किया, क्योंकि बाउंड्री के अंदर आप जब भी कोटा स्टोन लगाएं उसके अंदर गैप फिल ना करें, और आफ्टर बाउंड्री जो आप कोटा स्टोन रखेंगे उसमें गैप फिल करवाएं तो एक बहुत ही अच्छी लुक आती है। अब इसमें देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है, बिना गैप फिल करने के बाद भी एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन दिख रहा है हमें। यहाँ से हम देखें तो पूरी रूफ़ को हमारा बहुत ही प्यारा डिज़ाइन आ रहा है, और जब इसके अंदर हम दाना फिल कर देंगे तो एक और अच्छा लुक आ जाएगा हमारा। और अभी तक मैं सिर्फ आपको जो मैंने आपको एडवांटेज पॉइंट बताए थे उसी के लिए ही मैंने अपने शूज़ निकाले हुए हैं और मैं कोटा स्टोन पे चल रहा हूँ, बहुत धूप हो रही है। सो ये एंटी हीट एब्जॉर्बेंट होता है, आपको इसके अंदर नंगे पाँव भी चल सकते हैं आप, आपको गर्मी नहीं लगेगी अपने पैरों पे, हीट नहीं लगेगी, तपिश नहीं आएगी। ऐसे करके आप अपना, ये हो गया प्रैक्टिकल कैसे आप अपना कोटा स्टोन लगाएंगे।